हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर लव लवन डिज़ायर तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ ये वाली गॉर्जियस इंडियन वेडिंग गेस्ट पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ एंड इसके साथ ये वाली हेयर स्टाइल भी शेयर करने वाली हूँ तो गाइस ये वाली मेकअप लुक बिल्कुल अफोर्डेबल है अंडर फाइव हंड्रेड रुपीज़ आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मर्स की ये वाली हाइड्रो प्राइमर को अप्लाई कर लिया है और ये काफ़ी अच्छे हाइड्रेटिंग प्राइमर है और ड्राई स्किन टाइप के लिए बेस्ट है तो इसके बाद मैंने यहाँ पे स्वच्छ वीडियो ये वाली इल्यूमिनेटिंग प्राइमर बेस और मेकअप बेस अप्लाई कर लिया है इससे काफ़ी अच्छी एक डिवी बेस क्रिएट हो जाएगी तो इसे अप्लाई करने के बाद फेस को थोड़ा सा टाइम देने के लिए मैंने यहाँ पे एचर uh, की आईब्रो किट से डार्क शेड को पिक करके इस तरीके से अपने आईब्रोज़ को फिल एंड ड्रॉ कर लिया है और मैं अपनी हर एक वीडियोज़ में आईब्रोज को डिटेल में शेयर करती हूँ कैसे मैं अपने आईब्रोज को फिल करती हूँ तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके शेयर किया है आप लोगों के साथ और फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे मोमर की ग्लो सीरम फाउंडेशन को मिक्स करके अप्लाई किया है दो शेड मैंने यहाँ पे एक साथ मिक्स किया है जीरो सिक्स एंड जीरो सेवन और इसके बाद इस तरीके से एक ब्रश के हेल्प से बहुत अच्छे से पूरे फेस में अप्लाई किया है और ये वाली फाउंडेशन बिल्कुल लाइट वेट एंड लिक्विड फाउंडेशन है तो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है एंड ये बहुत अफोर्डेबल है काफ़ी अच्छे से काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाती है एंड इसकी कवरेज को आप बिल्ड कर सकते हो तो ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत अच्छे से डैप डैप करके ब्लेंड कर लिया ताकि कहीं पे कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट ना रहे इसके बाद मैंने यहाँ पे मे की एज वाइन कंसीलर को अप्लाई किया है इसमें मेरा शेयर है न्यूट्रलाइज़र तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी अंडर आई नोज क्यों पीबोचीन फोरेट एंड आइस की आ, मतलब कि आईलेट ए पे भी अप्लाई किया है एज आई शेडो बेस एंड इसके बाद एक फ्लशर ब्रश की हेल्प से पिक करके सेम कंसलर से ही मैंने अपने आईब्रोज को भी डिफाइन किया है तो कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अगेन डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने बहुत अच्छे से डेवलप करके ब्लेंड किया है सोखा इस कंसिलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी की ट्रांसलूसेंट सेटिंग पाउडर लिया है और इसे इस तरीके से एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से सबसे पहले मैंने आइल एरिया पे अप्लाई किया ताकि वो आगे जो कंसिलर मैंने अप्लाई किया है वो क्रीज ना हो जाए एंड इसके बाद एक बिग uh, ब्रश की हेल्प से पूरे फेस एरिया पर अप्लाई किया है ताकि बहुत अच्छे से मेकअप बेस सेट हो जाए तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्विच ब्रिक की ये वाली कंट्रोग किट और ये बहुत अफोर्डेबल है एंड बहुत अच्छी वाली काम की प्रोडक्ट है तो इसमें से इस शेड को पिक करके इस तरीके से हॉलेस ऑफ़ चीक्स चिक्स लाइन एंड अपनी नोज़ को मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया है देन कायरो की ग्लो एंड ब्लशर को इस तरीके से एक ब्रशर ब्रश की हेल्प से पिक करके अपनी चिक्स एरिया पे अप्लाई किया है एज माई ब्रशर देन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है स्विच ब्यूटी की एलमिनेटिंग लिक्विड हाइलाइटर और इसे कुछ इस तरीके से अप्लाई किया है तो आप चाहे तो इसे फाउंडेशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो तो इसे इस तरीके से अप्लाई करने के बाद मैंने यहां पे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड किया है एंड इसकी जो ग्लो है आप देख सकते हो सो so, इसके बाद मैंने अपने आई लुक को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई किया है काजल और मैंने यहाँ पे यूज किया है ममा और काजल और इसे इस तरीके से अपर वाटर लाइन एंड अपनी लाइनर एरिया पे अप्लाई किया है लाइनर एरिया पे थोड़ी सी थीकली अप्लाई किया है वैसे मैसे आज के लुक के लिए मतलब कि आई लुक के लिए मैं कोई ब्रश नहीं यूज करने वाली हूँ सिर्फ यूट्यूब की हेल्प से अपनी आई लुक को कम्पलीट करने वाली हूँ तो आई थिंक बिगिनर्स के लिए आज की मेकअप लुक एंड आज की जो आई लुक है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है देख सकते हो यूट्यूब की हेल्प से मैंने इस तरीके से काजल को स्मर्च करके ब्लेंड किया है देन ये वाले आइश पैलेट मैंने ये भी यूज किया है तो इसमें से ये वाला जो ग्लोई शिमरी गोल्डन शेड है इसे पिक करके क्यूट्यूब की हेल्प से इनर कॉर्नर से मिडिल आयर से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट तक अप्लाई किया है सॉरी एरिया तक अप्लाई किया है एंड देन फिंगर की हेल्प से भी थोड़ा सा अप्लाई किया देन काजल को अगेन आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर में इस तरीके से अप्लाई कर लिया है ताकि थोड़ी सी हलो काइंड ऑफ आई लुक क्रिएट हो एंड देन सेम क्यूट्यूब की हेल्प से अगेन थोड़ा सा स्मर्च करते हुए मैंने क्रीज लाइन एंड आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर को ब्लेंड किया है देन सेम काजल को मैंने अपनी वाटर लाइन पे थोड़ी सी ज़्यादा थीकली अप्लाई किया है और अगर आपकी आईज थोड़ी सी छोटी है तो आप यहाँ पे व्हाइट काजल भी अप्लाई कर सकते हो अपनी वाटर लाइन पे एंड देन ब्लैक काजल को लोअर लैस लाइन पे अप्लाई करके इस तरीके से स्मच कर सकते हो तो आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से लोअर लैस लाइन को भी थोड़ा सा स्मच कर लिया है क्यूटिक यूट्यूब की हेल्प से देन मार्स की पेन लाइनर की हेल्प से मैंने बिल्कुल बेसिक सी एक विंग लाइनर ड्रॉ किया है बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक विंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है देन मैंने यहाँ पे मार्स की मस्कारा को दो से तीन कोट अपने अपर एंड लोअर लशेस पे अप्लाई कर लिया है सो गाइस काला अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे रोज uh, टोनर से अपनी मेकअप को फिक्स किया है अगर आप चाहे तो सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो इसके बाद एक हाइलाइटर को इस तरीके से एक ब्रश की वश से पिक करके आई स्की कॉर्नर एंड अपने बोन्स को हाईलाइट किया है और अगर आप चाहे तो फेस पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पे स्किप किया है क्योंकि वो वाली हाइलाइटर जो मैंने सूचब्री की यहाँ पे अप्लाई किया है वो ही काफ़ी ज़्यादा ग्लो दे रही है तो इसके बाद लिप्स के लिए मैंने यहाँ पे बेलो पेरिस की एक लिपस्टिक यूज़ किया है तो इसकी शेड नेम है फर्स्ट कीस और मैंने ऑफ कैमरा अपनी लैशेस भी है वो एड किया है तो अब आते हैं हेयर है है स्टाइल पे हेयर स्टाइल के लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से साइड uh, पार्टीशन किया है एंड क्राउन सेक्शन में uh, सारे हेयर को पीछे की तरफ कर लिया है एंड आप देख सकते हैं थोड़ी सी इस तरीके से एंगल शेप में लेते हुए मैंने पार्टीशन करते हुए इसके बाद इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ हेयर को थोड़ा सा पफ़ी लुक देते हुए बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर किया है एंड सेम तरीके से सेकेंड लेयर पर भी मैंने किया है एंड इस, इसके बाद सेम तरीके से लास्ट पे भी मैंने दोनों पार्टीशन करते हुए रोल एंड ट्विस्ट करते हुए हेयर को पीछे ले जाकर इस तरीके से बॉबी उनकी हेल्प से सिक्योर किया है तो आप इस तरीके से मिडिल पार्टीशन करके भी कर सकते हो देन सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड पे भी कंप्लीट किया है तो गाइस आपको थोड़ी सी मैसी लग सकती है लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट या फिर हेयर स्टाइलिस्ट नहीं हूँ तो मैं मुझे जितनी ज़्यादा आती है मुझे जितनी पसंद है जैसी पसंद है मैं बस वैसे ही करती हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो अगर थोड़ी सी गलती हो जाए कहीं पर तो थोड़ा सा आप इसे मैनेज कर लेना प्लीज़ इग्नोर भी कर लेना अगर कहीं पर कोई भी गलती हो जाए तो, तो कुछ इस तरीके से सारे हेयर को पीछे की तरफ ले जाकर सब कुछ एक एक साथ इस तरीके से रोल एंड ट्विस्ट करके देन इस तरीके से एक बन की तरह लुक दिया है मैंने और सारे हेयर को इस तरीके से बॉबी पिन एंड यू पिन के हेल्थ से अच्छे से सिक्योर किया है तो अगर आप बिगिनर हो एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी वाली हेयर स्टाइल नहीं करना आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो एंड इसके ऊपर आप गजरा भी वेयर कर सकते हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर फ्रेश फ्लावर गजरा हो या फिर आप यहाँ पे मैंने जो किया है वो भी कर सकते हो क्योंकि मेरे पास आज फ्रेश फ्लावर्स नहीं था तो तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक मेरी एयर को इस तरीके से थोड़ा सा बैंड करके इस तरीके से बन में लगा लिया है तो आप पैसे भी रख सकते हो कोई बड़ी इयर को लगाकर या फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा इसे हम और अच्छी लुक दे सकते हो तो इस तरीके से जो इयर के साथ चेन आता है उसे मैंने इसके साथ एक पुश की हेल्प से सिक्योर कर लिया है एंड बन पर लगा लिया है तो गाइज़ यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी मुझे मतलब कि ये मैंने थोड़ी सी टेढ़ी करके लगाया है क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा था पीछे क्या चल रहा था या क्या नहीं तो इसे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसके बाद सिंदूर के साथ एंड ज्वेलरी के साथ साड़ी के साथ मैंने अपनी लुक कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिंग लाइट मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है क्योंकि मैंने फुल वीडियो को विदाउट रिंग लाइट शूट किया है तो आ, देख सकते हो कितनी अच्छी वाली एक ग्लो आ रही है बेस्ट मेकअप जो है बहुत ही अच्छा बना है आज लेकिन सिंदूर थोड़ी सी नोज पे गिरा है तो नोज यहाँ पे थोड़ी सी मेसी दिख रही है कैसे लगी आपको मेरी ये वाली लुक एंड मेरी ये वाली वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो गाइस मिलते थैंक यू सो मच